मेरा मेल से औराद और होन मुर्गी से औराद सड़के साइन पोस्ट नहीं है, लेकिन होन मुर्गी सड़क के दोनों ओर झाड़ियां भारी हो गई हैं। इसलिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले समूह की ओर से एक बयान दिया गया, जिसमें चेतावनी दी गई कि भविष्य में होने वाले हादसों के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। और आज से 13 मील के स्थान पर पिछले 2 सालों में सड़क पर एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 दिन से भी कम समय में 1 और 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ और कोई जान नहीं गई। उक्त सड़क पर कोई साइन पोस्ट नहीं है और उक्त सड़क पर 3 मोड़ हैं जो बहुत खतरनाक है। उस कार्य में तेजी लाने के लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले समूह की ओर से लोक निर्माण दक्षिण संभाग के पदाधिकारियों को लिखित बयान दिया गया। नव भारत समाचार सोलापुर से विश्वनाथ बिराजदार की रिपोर्ट। होनमुर्गे ते औराद महामार्ग दोतर्फी काटेरी झाड वाढलेले आहेत, त्यामुळे एका वेळेस दोन दोन माणसं येण्याजाण्याची अवघड होऊन अपघात होण्याची शक्यता आहे किंवा मनुष्यहानी होण्याची शक्यता आहे। यासंबंधी निवेदन देऊन 8 दिवसात काम न केल्यास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सोलापूर जिल्ह्याच्या वतीनं आंदोलन करण्याचा आज रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण सोलापूर यांना निवेदन दिलेलं आहे। आता साहेबांनी जे तुम्ही आत्महत्या केली, साहेब काय बोलले तुम्हाला? साहेब 8 दिवसात करून घेतो असं सांगितलेलं। तो मग औराद ते होनमुर्गी हा रस्ता पुढे कुठे येतो? औराद ते पुढे बोळकोटा बरूला जातो। आज रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सोलापूर शहराच्या वतीने जिल्ह्याच्या वतीने राष्ट्रीय महामार्ग सोलापूर आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग दक्षिण सोलापूर यांना निवेदन दिलेलं आहे। राष्ट्रीय महामार्ग औराद ते 13 मैल हे 7 किलोमीटरचा रोड असून सदर रोडवर कुठल्याही दिशादर्शक किंवा गाईडलाईन असलेले फलक नाही, हे अत्यंत हलगर्जीपणा केलेला आहे। हा हलगर्जीपणा निदर्शस आणून देण्यासाठी आम्ही आज रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं निवेदन दिलो। तसेच होनमुर्गी ते राजूर फाट्यापर्यंत दुतर्फा काटेरी झाडं वाढलेली असून त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता होऊन मनुष्यहानी होण्याची शक्यता, हे निदर्शस आणून दिले। सदर काम 8 दिवसात करण्याचं आश्वासन दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दिलेलं असून 8 दिवसात नाही झाला तर पक्षाच्या वतीने तीव्र सर्वपक्षीय याहीपेक्षा आंदोलन करून त्यांना जागा दाखवून देण्याचं काम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया करेल।